लोकसभा चुनाव अब अपने चरम पर है। 19 मई को सातवें और आखिरी चरण के लिए मतदान होगा और 23 मई को नतीजे सबके सामने होंगे, मगर उससे पहले नई सरकार के गठन को लेकर कयास और बयानों का दौर जारी है। चुनावी परिणामों से पहले बीजेपी भले ही अपनी जीत का दावा कर रही हो, मगर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी की जीत को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है जिस पर सियासी घमासान छिड़ना तय है। आपको 1946 का वो दौर याद होगा जब देश की राजनीति में एक अनोखा घटनाक्रम घटा। उस वक्त महज 13 दिन के लिए केंद्र सरकार का गठन हुआ और तब अटल बिहारी वाजपेयी इस सरकार के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वाजपेयी की इस सरकार 13 दिनों के भीतर ही गिर गई और इसकी वजह थी बहुमत पेश नहीं कर पाना। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अपना बहुमत पेश नहीं कर पाई थी, जिसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। 1996 का वो घटनाक्रम अब 2019 में भी दोहराएगा, ये दावा किया है एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने। दरअसल वो एक टीवी चैनल से बात कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने भविष्यवाणी की कि अगर राष्ट्रपति बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं तो वह सदन में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकेगी। शरद पवार ने दावा किया कि अगर मोदी सरकार बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो उनका हश्र भी वैसा ही होगा जो 1946 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का हुआ था, यानी 13 दिनों के भीतर ही मोदी सरकार गिर जाएगी। साथ ही इस दौरान पवार ने त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में हॉर्स ट्रेडिंग की गुंजाइश से इनकार करते हुए कहा कि तमाम विपक्षी दल साथ हैं, ऐसे में बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर ना आए हैं। पवार ने बताया कि 21 मई को नॉन बीजेपी सरकार बनने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। सभी पक्ष कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए एक साथ आएंगे, सभी विपक्षी दल बैठक कर रहे हैं, उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।